नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सीखे योजना में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आइए हम जानते हैं इंस्पायर अवार्ड्स योजना के बारे में। यह योजना क्या है और इससे कैसे देश का विकास भी होगा और जो युवा हैं उनको मनोवियोग बढ़ेगा। दोस्तों तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के बहुमुखी विकास के हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। स्टार्टअप अप इंडिया योजना के तहत इंस्पायर अवार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य है देश के युवाओं को वैज्ञानिक सोच का विकसित करना, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना, इस प्रकार उनको मोटिवेट करना कि वो नई नई तकनीकों के बारे में सोचे, नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आए। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश इंस्पायर अवार्ड योजना स्टार्ट किए। दोस्तों इसके लिए दोस्तों कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को इनोवेटिव आइडिया मांगे जाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों जो कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थी हैं यह केवल उन्हीं के लिए है। दोस्तों उन विद्यार्थियों को नए नए मॉडल साइंस से रिलेटेड आइडियाज़ या मॉडल मांगे सरकार ने, जिसके लिए सरकार ने 10,000 रुपये तक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो मॉडल बनाएंगे उनको राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का चयन होने पर उच्च कोटि के संस्थानों में प्रवेश भी दिया जाएगा, जिसके लिए उनको 6 नवंबर जो बोनस के रूप में अधिक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों इस इंस्पायर अवार्ड योजना को आगे बढ़ाने के क्रम में मध्य प्रदेश के 47,000 विद्यालयों से 6,000 छात्रों का आवेदन प्राप्त हो चुके थे दोस्तों पिछले ईयर, और प्रत्येक एक विद्यालय से कम 5 छात्रों को इस इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य, दोस्तों इंस्पायर अवार्ड योजना का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच का पहचान करना और उनके अंदर वैज्ञानिक थिंकिंग को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों उनको किसी न किसी आविष्कार करने का उनके माइंड में ये थॉट बिठाना ये उद्देश्य है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक के प्रति रुचि को बढ़ावा देना हेतु प्रोत्साहित करना इंस्पायर अवार्ड योजना हेतु पात्रता क्या होना चाहिए। दोस्तों तो मध्य प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्र व राज्य द्वारा संचालित विद्यालय आदि में प्रवेश होना चाहिए और कक्षा 6 से 10 के बीच ही होना चाहिए और उसकी आयु 10 से 15 वर्ष के बीच होना चाहिए। दोस्तों यह उसके लिए पात्रता है। दोस्तों योजना के तहत विद्यार्थियों को प्राथमिकता इंस्पायर अवार्ड हेतु विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया में छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं एसटीएससी ओबीसी वालों को चयन के दौरान प्राथमिकता भी दी जाएगी। दोस्तों इंस्पायर अवार्ड योजना का क्रियान्वयन क्या है, दोस्तों योजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से तो यही है कि जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना, नए आइडियाज़ लेना, ये सब इसका मुख्य क्रियान्वयन है। दोस्तों और कम से कम एक विद्यालय से 5 छात्रों का आवेदन करना अनिवार्य है। दोस्तों और इसके लिए जो आइडियाज़ या मॉडल तैयार करेंगे इसके लिए सरकार प्रत्येक छात्रों को 10,000 रुपये देती है। दोस्तों और दोस्तों चयनित स्कूल मध्य प्रदेश जिला स्तर के विज्ञान मॉडल को प्रदर्शनी में भाग लेते हुए जिससे राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के लिए 10% विद्यार्थियों का चयन होता है। दोस्तों और इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कैसे पंजीकरण करें। दोस्तों तो जो इस बार 18-19 का तो पंजीयन हो चुका है, अब 19-20 का पंजीयन के लिए आप इसकी वेबसाइट इंस्पायर्ड अवार्ड योजना पे जाकर क्लिक करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको जो नामांकन की सूची वो मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर देखी जा सकती है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि जो नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, उनको इस योजना के बारे में पता पड़े और वो एक वैज्ञानिक थिंकिंग अपने दिमाग में बैठा पाएँ, नए नए मॉडल्स आएँ उनके माइंड में, आइडियाज़ आएँ
और दोस्तों आप भी अपने रिलेटिव जो भी हैं करीबी उनको इस योजना के बारे में बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।